बात करते हैं भोपाल से खबर, जहां कोरोना को लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। आपको बता दें, थोड़ी देर में सीएम समीक्षा बैठक लेंगे और बैठक में कोरोना से बचाव को लेकर चर्चा करेंगे। बता दें, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान की यह बैठक होगी, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारी जुड़ेंगे। जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों से आगे की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो थोड़ी ही देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ये समीक्षा बैठक लेने वाले हैं, जिसमें क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ ये बैठक होगी और कोरोना से बचाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तो आपको बता दें, सरकार तीसरी लहर की तैयारियों में जुटी हुई है और इस बीच एक बार फिर कोरोना की समीक्षा बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान लेने जा रहे हैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ, जिसमें जनप्रतिनिधियों से आगे की रणनीति पर सीएम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं ग्वालियर से खबर, जहां कोरोना को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। शनिवार को कोरोना का एक भी नया मरीज ग्वालियर में सामने नहीं आया है। बता दें, कोरोना संक्रमितों की संख्या अब ग्वालियर में शून्य पहुंच चुकी है। वहीं 121 दिन बाद ग्वालियर में नए संक्रमितों का आंकड़ा शून्य पहुंचा है। बता दें, शनिवार को एक भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। तो ग्वालियर में कोरोना को लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। शनिवार को एक भी नया संक्रमित ग्वालियर में नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं भोपाल से खबर, जहां सिटी बसों के पहिए एक बार फिर सड़कों पर दौड़ेंगे। कोरोना कर्फ्यू की वजह से बस सेवा बंद थी और अब एक बार फिर बस सेवा शुरू होने वाली है। बता दें, नई रूटों पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सिटी बसों में सफर करने वालों को एक बड़ी राहत मिलेगी। तो आपको बता दें, कोरोना कर्फ्यू की वजह से बस सेवा बंद थी और एक बार फिर बसों की सेवा शुरू होने जा रही है। नए रूटों पर बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, जिससे सिटी बसों में सफर करने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। तो कोरोना कर्फ्यू की वजह से सिटी बसों के पहिए थम गए थे, एक बार फिर सभी सिटी बसें सड़कों पर दौड़ने वाली हैं। आपको बता दें, कोरोना कर्फ्यू की वजह से बस सेवा बंद थी, जिसे फिर से एक बार शुरू किया जा रहा है। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कोरोना की समीक्षा बैठक को लेकर संबोधित कर रहे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से चर्चा कर रहा हूं, जल्दी मैं ब्लॉक और पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से भी बात करूंगा, लेकिन नीचे पंचायतों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, फिर ब्लॉक की और वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, और यहां ऊपर जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने सारा दायित्व संभाला, जिम्मेदारी संभाली। क्या खोलना है, क्या बंद रखना है, इलाज की व्यवस्था में कैसे सहयोग करना है, जनता को कैसे एजुकेट करना है, वो सारे काम आपने किए। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, और इसके कारण हमारी एक अद्भुत टीम बन गई। जिले की टीम, ब्लॉक की टीम, गांव की टीम, जिसने कोविड नियंत्रण की सारी जवाबदारियां संभाली, और हमारे क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की चर्चा, उनके काम की चर्चा, कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने की चर्चा पूरे देश में हुई है। पूरे देश में मध्यप्रदेश मॉडल के नाम से इसको जाना गया। यह जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा मॉडल था। आज आप जानते हैं, बहुत सुखद स्थिति है मध्य प्रदेश में। आज तो 236 ही पॉजिटिव केस आए हैं, 274 है कि 274, 274, और उनमें भी 20 जिले ऐसे जहां एक भी पॉजिटिव केस नहीं है, शून्य है।
केवल दहाई की संख्या में 3 जिले बचे, एक इंदौर, दूसरा भोपाल और तीसरा जबलपुर। जबलपुर भी 13-14 के आसपास, 15 के आसपास। हम लगभग नियंत्रण की स्थिति में पहुंच गए। अब पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो आज 0.3% के आसपास पहुंच गया, 0.3%, शायद देश में सबसे कम। लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपने जो परिश्रम किया जनता के साथ, वो अद्भुत है। आपने लीड किया, आपने राह दिखाई, आपने सहयोग किया। मैं आपके परिश्रम को प्रणाम करता हूं सबके। अपने अपने क्षेत्र आपने संभाले, विधानसभाएं आपने संभाली, जिले आपने संभाले, व्यवस्थाएं आपने संभाली। और ये संभालने के काम में कोई भोपाल नहीं लगा था, हर गांव लग गए। सांसद मित्रों को भी धन्यवाद, विधायक मित्रों को भी बहुत धन्यवाद। आपने लीड किया, ढंग से लीड किया, सेवा का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। एक्टिव केस भी अब हमारे यहां कम बचे हैं। ब्लैक फंगस की एक नई समस्या खड़ी हो गई थी, अब उसके इलाज की भी पूरी उपयुक्त व्यवस्था बन गई है। आज एक तो धन्यवाद देने के लिए बुलाया, लेकिन दूसरा, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का काम खत्म नहीं हुआ। यह हमारा ऐसा ढांचा बन गया है, ऐसा संगठन बन गया है जिसको हम बनाए रखना चाहते हैं। यह अब लगातार काम करेगा और काम क्या करेगा उस पर आपके सुझाव भी मांगूंगा मैं। लेकिन मेरे मन में जो चीज है मैं पहले वो बताना चाहता हूं, फिर एक प्रेजेंटेशन होगा, फिर हम चर्चा करेंगे। नंबर एक जरूरत है सावधान रहने की। असावधान ना हो जाए लोग। अभी आपके सामने प्रेजेंटेशन आएगा तब आप देखेंगे कि इंग्लैंड जैसे देश में भी 90 दिन बंद करने के बाद उन्हें खोला और फिर से केस बढ़ना शुरू हो गए। ब्राजील में केस बढ़ रहे हैं, दुनिया के अनेकों देशों में तीसरी लहर भी दिखाई दे रही है। इसलिए हम निश्चिंत बिल्कुल ना हो जाएं। हमारी तैयारी चाहिए, तीसरी लहर को हम आने से रोकेंगे या उसकी तीव्रता रोकेंगे, उसकी भयंकरता रोकेंगे। और वो रोकने की जो अपनी रणनीति है, नंबर एक, हम टेस्ट लगभग 80,000 रोज करेंगे प्रदेश में। कल भी लगभग 80,000 किए, उसमें से 274 पॉजिटिव आए। आपसे निवेदन है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से कि जिले के हर हिस्से में टेस्ट करना है हमको, ताकि कोई छुपा पॉजिटिव पेशेंट ना रह जाए। ईमानदारी से टेस्ट हो, आरटीपीसीआर की संख्या ना घटे। एक टेस्ट करना है, उसमें आपका सहयोग चाहिए। अब बाद में जब निश्चिंत हो जाते तो लोग टेस्ट कराने से भी इनकार करते, लेकिन आप एजुकेट कीजिए कि आप टेस्ट जरूर करवाइए। कई जगह अभियान चला भोपाल में, जैसे हाथ ठेले वालों को, मतलब रैंडम टेस्ट सबके, कुछ अलग अलग वर्ग जितने हैं। दूसरा काम हम करेंगे, टेस्ट में पॉजिटिव आए, जैसे 274 आई यार, तो वो अपने प्रदेश में ही है 274, तो हम 274 में से प्रत्येक की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का मतलब है जो पॉजिटिव आए हैं उन पॉजिटिव के संपर्क में जितने लोग आए उनकी भी हम
टेस्ट करेंगे ताकि उसमें से अगर कोई संक्रमित हो जाए तो हम उसको पकड़ पाए। चौथी चीज, तीसरी चीज, जो पॉजिटिव है अभी भी उसको हमको आइसोलेशन में रखना है। वो एक भी केस आए आइसोलेशन में, घर में जगह हो तो घर में रखे, नहीं तो कोविड केयर सेंटर अपने चलाएंगे हम, वहां रख देंगे, वहां उनकी देखरेख भी हो जाएगी और वो दूसरों को संक्रमित भी नहीं कर पाएंगे। और चौथी चीज जिसमें आपका सहयोग चाहिए, किल कोरोना अभियान अपना चलता रहेगा। गांव में सर्दी जुकाम बुखार, पिछली बार हम धोखे में रह गए, कई लोग पीड़ित थे और बताई नहीं, उसके कारण समस्या भयंकर हो गई थी। और इसलिए जहां सर्दी जुकाम बुखार है वहां तत्काल दवाई, जैसे अपन ने अभी दिए। तो तीसरी लहर अगर आने से रोकना है या उसकी भयंकरता रोकना है, देखो मैं और आप हम सब चाहते हैं कि अब दुनिया चले, बाजार खुले, व्यापार हो, काम धंधे चले, तो वो भी चलाना है लेकिन उसके साथ साथ संक्रमण को नियंत्रित भी करना है। और इसलिए टेस्ट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन और किल कोरोना अभियान, ये चार इसको नियंत्रित करने के तरीके हमारे पास है कि पता चल जाए, इसमें छुपे ना। तीसरी लहर कैसे बनेगी आप सोचो। तीसरी लहर बनेगी तब जब हम लापरवाह हो जाएंगे, और खुले में हमने देखा कि कई जगह लापरवाही आ गई है, भीड़ भाड़, मास्क हटा दो, शादी विवाह वैसे ही होने लगे, कार्यक्रम होने लगे, तो एक जो संक्रमित है वो 10 को करेगा, 10 100 को करेगा, 100 1000 को करेगा, और धीरे धीरे फिर लहर बन जाएगी। और रोकने का तरीका यही है कि एक पता करते रहे जो मैंने अभी बताया, और दूसरा कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार, और उसका रामबाण है मास्क। मास्क अगर ढंग से लगा है तो नहीं हो सकता, संक्रमित व्यक्ति नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा 2 गज की दूरी, उसमें लापरवाही ना हो जाए, हाथ साफ करते रहना। और इसके साथ सबके लिए नियम बनाए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, मेरा निवेदन है। दुकानदार का आचरण क्या रहेगा, दुकान खोले लेकिन मास्क दुकानदार ने लगाया कि नहीं, दुकान के सामने गोले बने हैं कि नहीं, ज्यादा ग्राहक आए तो दूरी पर खड़े हैं कि नहीं, तो ग्राहक क्या करेगा, दुकानदार क्या करेगा, सड़क पे जो चलने वाले साथी हैं उनका व्यवहार क्या रहेगा, कोई शादी विवाह है तो वो कितनी संख्या में होगा, कार्यक्रमों के बारे में क्या सोचना है हमको, क्योंकि कार्यक्रम अगर शुरू हो गए तो फिर संख्या पड़ने लगेगी। लेकिन अपन चाहते दुनिया भी चले तो क्या क्या सोचे उसके बारे में, ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को सोचना भी और करवाना भी है, जिम्मेदारी हम सबकी है। लेकिन इसका मूल बिंदु है कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार, ताकि संक्रमण रोक भी पाए और दुनिया चलती रहे। क्या इस मध्य प्रदेश के इसमें मॉडल बना सकते हैं हम कि दुनिया चलाते हुए भी हम कोविड के संक्रमण को ना बढ़ने दें, 100-200 केस आते रहे तो हम पकड़ के उनको वहीं के वहीं रोकते रहे, जहां केस आ गया वहां माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना दो, दो घर है तो दो घर रोको, रोकना पड़ेगा हमको, इसमें थोड़ा बेरहम होना पड़ेगा भाई, जिस घर में उसको कंटेन करो, करना पड़ेगा। और नहीं किया तो फिर तीसरी लहर आ गई तो बार बार कब तक लाभ करेंगे अपन। और इसलिए मेरा निवेदन है आज जो आपसे मैं अपील करना चाहता हूं कि सरकार करेगी टेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, किल कोरोना अभियान, कोविड केयर सेंटर,
क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी इसका पालन करवाएगी, मास्क, दूरी, व्यवहार, कार्यक्रम कैसे होंगे, अभी होंगे कि नहीं होंगे, याद आपसे मैं सुझाव मांगूंगा। और आपको प्रदेश के हित को ध्यान में रखते हुए, अपने जिले के हित को ध्यान में रखते हुए सुझाव देना है, क्योंकि जितनी जवाबदारी मेरी है उतनी जवाबदारी आपकी भी है। तो मिलकर हम लोग तय करेंगे। और तीसरी चीज, चौथी बहुत महत्वपूर्ण चीज है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि टीकाकरण का काम उन्होंने अपने हाथ में लिया। ने अलग अलग राज्य टीकों की जुगाड़ कर रहे थे तो बड़ी दिक्कतें हो रही थी, और जो मेरी सूचना है जुलाई से हमको पर्याप्त डोजेज मिलना शुरू हो जाएंगे, भारत सरकार उसकी तैयारी कर रही है। तो वैक्सीनेशन के अभियान को भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को चलाना है। जागरण कैसे, इस पर भ्रम है तो वो दूर करें, और आप तय कीजिए, जैसे भोपाल में तय किया दुकानदारों को पहले लगाएंगे, अलग अलग कुछ वर्ग बना लिए जिनका संपर्क ज्यादा आता। सब्जी का ठेला वाला अगर बिना टीके के घूमेगा तो ज्यादा लोग सब्जी खरीदने आएंगे तो संक्रमित कर सकता है, तो उसी को पहले टीका लगा। तो मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से ये अपील करना चाहता हूं, आप तय करें वैक्सीनेशन की प्राथमिकता। जून में थोड़ी डोजेज सीमित मात्रा में मिलेंगे, जुलाई में पर्याप्त मिलेंगे, डोज वेस्ट ना जाए उसकी व्यवस्था। तो वैक्सीनेशन के लिए जनजागरण अभियान की रूपरेखा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अपने जिले की बनाएगी। उसके यूनिक तरीके कई खोजी है, क्या क्या हो सकता है। मेरा गांव कोरोना मुक्त, टीकाकरण युक्त गांव, आप स्लोगन सोचिए कुछ। आप वॉल पेंटिंग पूरे जिले में हो जाए टीकाकरण के बारे में, आपके फोटो के साथ होल्डिंग लगा दीजिए, अपील कीजिए लोगों से, आपकी मैसेज आप रिकॉर्ड कीजिए, वॉइस मैसेज सोशल मीडिया पे भेजिए, आप गाड़ी में माइक लगवा के और आपका मैसेज चलवाइए। प्रतीकात्मक रूप से आप सोचिए क्या है, अपने क्षेत्र में आप कहीं शहर कोई नगर है तो उसमें लोगों के साथ नहीं, चार लोग पैदल चलेंगे, आप जागरण करेंगे, 5 किलोमीटर पैदल जाएंगे टीकाकरण के, जागरण के लिए आप, और अपील करेंगे टीकाकरण करवाओ और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करो। आपको लीड करना है, आप लीडर है, तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं लीड करने के, एजुकेट करने के, वो आपको करना है। अलग अलग जिलों के अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती है। अब जो चीज भोपाल में लागू होगी वो हो सकता है नीमच में लागू ना हो, अलग अलग आपकी माइंडसेट होता है तो उसके हिसाब से बढ़िया लोकगीत बनवा सकते हैं आप अलग अलग अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में, बुंदेली में, बघेली में, मालवी में, निवाड़ी में, भीली में, गौड़ी में, ये प्रयोग हमको करना चाहिए। ये भोपाल में बैठ के नहीं हो सकती, ये जिले में बैठ के ही हो सकते हैं। तो आप यूनिक आइडिया खोजिए दोनों चीज, कोविड रोक संक्रमण रोकने के जो उपाय हैं उनके बारे में और टीकाकरण के बारे में। एक बात मैं आज से ही आपको आग्रह कर रहा हूं, मैं पिछली बार भी आपको ध्यान है, मैं मास्क लगाता घूमा था सड़कों पे, मैं अनाउंस करते हुए घूमा था कई किलोमीटर, संकट महाविकट है संभल जाओ, दुकानों पे मैंने गोले बनाए थे, स्वास्थ्य आग्रह पे 24 घंटे बैठा था, तब लोगों को लगता था कि होगा तो ठीक हो जाएंगे। आज हम सबको ये करना पड़ेगा, नहीं तो मैं देख रहा हूं कि जहां हमने अनलॉक किया कई जगह फिर भीड़ उमड़ रही है, अनियंत्रित भीड़ हो रही है, सब जगह नहीं कई जगह हो रही है, लेकिन उसमें संकट फिर बढ़ जाएगा। और ऐसे में फिर कब तक अपन बंद करेंगे, नहीं अब नहीं कर सकते, दुनियादारी लॉक नहीं कर सकते,
तो ये अपन को योजना बनानी, देखिए मध्य प्रदेश को एक अलग मॉडल बना दे कि नहीं बढ़ने देंगे संक्रमण। फिर एक काम और मैं आपको सौंपना चाहता हूं, जितनी योजनाएं कोविड के अंतर्गत अपन ने बनाई है,